नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से चार शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिक्टेशन के पी की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस डिक्टेशन को हम तीन अलग अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में सत्तर की स्पीड में दूसरी बार में अस्सी की स्पीड में तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग नब्बे की स्पीड में लेने वाले हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाँच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन से राहुल गांधी ने निराश ही किया उन्होंने कोई छाप छोड़ने के बजाय टकराव और कलह पैदा करने का काम किया उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं जब उनके इस कथन पर आपत्ति जताई गई तो वह यह कहने लगे कि भाजपा और आरएसएस ही हिंदू नहीं हैं यह निष्कर्ष तो ठीक है लेकिन क्या वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू भाजपा या आरएसएस से जुड़ा है वह चौबीस घंटे हिंसा और नफ़रत करता है संभव है कि वह ऐसा ही मानते हों लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को लगभग चौबीस करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि ये सब वे हिंदू हैं जो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं उनका आशय जो भी हो उनके इस कथन से इतना तो पता चलता ही है कि वह भाजपा को अपने राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रु के रूप में देखते हैं और उससे नफरत भी करते हैं पैरा राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय संविधान से की और यह दावा किया कि उन्होंने इसे बचाने का काम किया है स्पष्ट है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में ही हैं शायद इसी कारण वह सदन के स्थान पर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अधिक दिखें यह ठीक है कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने संविधान के खतरे में होने का हवा खड़ा किया था और माना जाता है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला लेकिन यदि वह संविधान के इतने ही बड़े हितैषी और रक्षक हैं तो फिर उस आपातकाल की आलोचना क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं जिसे देश पर थोप कर न केवल संविधान को बदलने का काम किया गया था बल्कि यह व्यवस्था भी बना दी गई थी कि कोई भी अदालत संसद से पारित किसी कानून की सुनवाई नहीं कर सकेगी आखिर इसे तानाशाही के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राहुल गांधी एक और संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर किसी संविधान को कुचलने वाले आपातकाल की आलोचना को अनावश्यक करार दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राहुल गांधी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना कम बल्कि जनता को गुमराह करना अधिक है इसी कारण वह यहाँ तक कह गए कि यदि किसी अग्निवीर की जान चली जाती है तो उसके स्वजन को सरकार कोई मुआवजा नहीं देती आश्चर्य नहीं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके इस गलत बयान का खंडन करना पड़ा स्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग अस्सी की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाँच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन से राहुल गांधी ने निराश ही किया उन्होंने कोई छाप छोड़ने के बजाय टकराव और कलह पैदा करने का काम किया उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफ़रत करते हैं जब उनके इस कथन पर आपत्ति जताई गई तो वह यह कहने लगे कि भाजपा और आरएसएस ही हिंदू नहीं हैं यह निष्कर्ष तो ठीक है लेकिन क्या वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू भाजपा या आरएसएस से जुड़ा है वह 24 घंटे हिंसा और नफरत करता है संभव है कि वह ऐसा ही मानते हों लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को लगभग 24 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि ये सब वे हिंदू हैं जो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं उनका आशय जो भी हो उनके इस कथन से इतना तो पता चलता ही है कि वह भाजपा को अपने राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रु के रूप में देखते हैं और उससे नफरत भी करते हैं पैरा राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय संविधान से की और यह दावा किया कि उन्होंने इसे बचाने का काम किया है स्पष्ट है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में ही हैं शायद इसी कारण वह सदन के स्थान पर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अधिक दिखें यह ठीक है कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने संविधान के खतरे में होने का हवा खड़ा किया था और माना जाता है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला लेकिन यदि वह संविधान के इतने ही बड़े हितैषी और रक्षक हैं तो फिर उस आपातकाल की आलोचना क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं जिसे देश पर थोप कर न केवल संविधान को बदलने का काम किया गया था बल्कि यह व्यवस्था भी बना दी गई थी कि कोई भी अदालत संसद से पारित किसी कानून की सुनवाई नहीं कर सकेगी आखिर इसे तानाशाही के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राहुल गांधी एक ओर संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी संविधान को कुचलने वाले आपातकाल की आलोचना को अनावश्यक करार दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राहुल गांधी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना कम बल्कि जनता को गुमराह करना अधिक है इसी कारण वह यहाँ तक कह गए कि यदि किसी अग्निवीर की जान चली जाती है तो उसके स्वजन को सरकार कोई मुआवजा नहीं देती आश्चर्य नहीं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके इस गलत बयान का खंडन करना पड़ा स्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग नब्बे की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाँच सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन से राहुल गांधी ने निराश ही किया उन्होंने कोई छाप छोड़ने के बजाय टकराव और कलह पैदा करने का काम किया उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं जब उनके इस कथन पर आपत्ति जताई गई तो वह यह कहने लगे कि भाजपा और आरएसएस ही हिंदू नहीं हैं यह निष्कर्ष तो ठीक है लेकिन क्या वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू भाजपा या आरएसएस से जुड़ा है वह चौबीस घंटे हिंसा और नफरत करता है संभव है कि वह ऐसा ही मानते हों लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को लगभग चौबीस करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि ये सब वे हिंदू हैं जो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं उनका आशय जो भी हो उनके इस कथन से इतना तो पता चलता ही है कि वह भाजपा को अपने राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रु के रूप में देखते हैं और उससे नफरत भी करते हैं पैरा राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय संविधान से की और यह दावा किया कि उन्होंने इसे बचाने का काम किया है स्पष्ट है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में ही हैं शायद इसी कारण वह सदन के स्थान पर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अधिक दिखें यह ठीक है कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने संविधान के खतरे में होने का हवा खड़ा किया था और माना जाता है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला लेकिन यदि वह संविधान के इतने ही बड़े हितैषी और रक्षक हैं तो फिर उस आपातकाल की आलोचना क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं जिसे देश पर थोप कर न केवल संविधान को बदलने का काम किया गया था बल्कि यह व्यवस्था भी बना दी गई थी कि कोई भी अदालत संसद से पारित किसी कानून की सुनवाई नहीं कर सकेगी आखिर इसे तानाशाही के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राहुल गांधी एक ओर संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी संविधान को कुचलने वाले आपातकाल की आलोचना को अनावश्यक करार दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राहुल गांधी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना कम बल्कि जनता को गुमराह करना अधिक है इसी कारण वह यहाँ तक कह गए कि यदि किसी अग्निवीर की जान चली जाती है तो उसके स्वजन को सरकार कोई मुआवजा नहीं देती आश्चर्य नहीं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके इस गलत बयान का खंडन करना पड़ा स्टॉप